हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शाह, हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जियो फ़ोन में टिकटॉक चलाने का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस, बिना समय गमाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सर्वप्रथम आप लोग अगर मोबाइल डाटा ऑन नहीं किए हैं तो मोबाइल डाटा ऑन करें, इसके बाद अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। चलिए ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब ब्राउज़र के बॉक्स में लिखना होगा आप लोगों को टिक टॉक। चलिए लिख लेते हैं। टिक टॉक, जी हाँ दोस्तों, हमने लिख लिया है टिक टॉक। आप लोग भी लिख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद स्लाइड करते हुए नीचे आना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को जियो फोन से टिकटॉक चलाने का ट्रिक बता देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा है टिकटॉक होम फेसबुक, इस पर क्लिक कर देना है। फिर डाउन लोडिंग चलेगा, फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए दोस्तों, टिकटॉक ओपन हो रहा है। आप लोगों को एक दबा के अब छोटा कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया है। आज आप लोगों को हम वीडियो चला के दिखाएंगे लाइव। जी हाँ दोस्तों, मेरा ओपन हो रहा है अभी। आप लोगों के सामने हम दिखा देंगे वीडियो चला के। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए, अभी स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि चल रहा है टिकटॉक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जियो फोन में टिकटॉक चला सकते हैं। और भी ऑप्शन है इसमें, आप लोग इसमें पोस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जियो फोन से टिकटॉक चल सकता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।